हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 3। जैसे फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हम अल्फ़ाबेटिकली ए ऑर्डर के डिस्कस कर चुके हैं, आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे विद अल्फ़ाबेट बी। एंड दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। आप हमें फॉलो कर सकते हैं पैशन पाठशाला 2018 फेसबुक पेज एड्रेस पर। सो सी फ्रेंड्स, ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले हर एसएससी एग्ज़ाम के लिए, और हर वो एग्ज़ाम जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पोर्शन आता है, इंग्लिश का पोर्शन आता है। सो ये आपको रट के जाना है, आपको लर्न करके जाना है, बिकॉज आपके 2, 4, 6 मार्क्स डेफिनेटली इनमें से होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ बैक ऑन वंस फीट, इसका मतलब है टू रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और फ्रॉम अ प्रॉब्लम। सो जैसे फ्रेंड्स, अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक हम बेड रिडन होते हैं, हम नहीं कोई काम कर पाते, तो हम क्या कहते हैं कि बैक ऑन वंस फीट। सो इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल बट आई विल बी बैक ऑन वंस फीट सून, कि मैं पहले तो ठीक फील नहीं कर रहा था बट जल्द से जल्द मैं रिकवरी कर लूँगा अपने इलनेस से और अपनी प्रॉब्लम से। नेक्स्ट इज बैक टू द सॉल्ट माइंस, इसका मतलब है यू हैव टू रिटर्न बैक टू द वर्क प्लेस, मीन्स आपको अपने काम पे वापस आना पड़ेगा। सो आप इसमें ये भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस किया उसी से ही, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बट आई विल बी बैक टू द सॉल्ट माइंस आफ्टर गेटिंग रिकवर। ये जो idiom है इसका सेंटेंस ये भी है, जैसे मैंने मैंशन किया है द वेकेशन इज ओवर, बैक टू द सॉल्ट माइंस। ओके, लेट अस मूव फर्दर। Bad egg, it means bad person, just ignore his sayings, he's a bad egg, he always hurt everyone, okay? Next is bag of bones, it means an extremely thin person, ek bahut hi dubla patla aadmi, he's turning into a bag of bones, he lost so much weight. So friends, iska matlab hai ki usne bahut hi zyada weight kam kar liya hai apna aur wo din ba din turn hota ja raha hai bag of bones mein. ठीक है, तो ये एक आइडिया है। इस idiom को देख के आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। सो उसी तरह से बैग ऑफ बोन्स का मतलब है दुबले पतले होना। नेक्स्ट इज बॉल ऑफ फायर, इसका मतलब है अ पर्सन हु इज स्पेशली हार्ड वर्किंग, हाई अचीविंग, एम्बिशियस और एक्टिव। They say he is a real ball of fire. He has already demonstrated his wish to climb higher. Okay, so ये एक बहुत ही interesting idiom है, ball of fire, जिसे हम कहते हैं friends कि मुझ में तेज है, मुझ में आग है, मैं exam ज़रूर clear करूँगा। तो उसी तरह से ये एक phrase है कि they say he is a real ball of fire. उन्होंने बताया कि वो एक real ball of fire है, वो उसने already आगे जाने के लिए, आगे उठने के लिए अपने आप को demonstrate कर लिया है। नेक्स्ट इज बी अ बैरल ऑफ लाफ्स, इट मीन्स बी इंजॉयबल और एंटरटेनिंग, मीन्स आप इंजॉयबल और एंटरटेनिंग बने। दिस मूवी इज अ रियल बैरल ऑफ लाफ्स। नेक्स्ट इज बी अ कोल्ड फिश, इट मीन्स बी अ पर्सन हु इज डिस्टेंट एंड अनफीलिंग। सो सी फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताया था कि कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी, बट कुछ सेंटेंस आप खुद क्रिएट कीजिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप लॉन्ग टाइम तक उस idiom और फ्रेज को याद रख पाएंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। बी डेड टू द वर्ल्ड टू बी स्लीपिंग। नेक्स्ट इज बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, टू बी हैप्पी टू गेट रिड ऑफ समवन, टू बी हैप्पी बिकॉज समवन हैज़ लेफ्ट। जैसे आपको अगर कोई छोड़ के जाता है तब भी आप अपने आप को खुश रखने की रख रहे हैं। बी ग्लैड टू सी सम, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन, किसी का जाने, किसी के जाने के बाद भी हैप्पी रहना। नेक्स्ट इज बी इन ब्लैक एंड वाइट, ऑल्सो बी डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, इसका ये भी मतलब हो सकता है टू बी रिटर्न डाउन। नेक्स्ट इज बी इन हॉट वाटर, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इज बी इन द लैंड ऑफ द लिविंग, इट मीन्स बी अवेक टू बी अलाइव। नेक्स्ट इज Be like a fish out of water, it means to feel uncomfortable in a situation. Next is Big Apple. So iska jo phrase hai, the phrase Big Apple is the nickname for New York City. Phrase ka matlab hai ki New York City ka ek name. Okay, to hum iska ye bhi sentence bana sakte hain. Have you visited to Big Apples yet? Okay, have you visited to Big Apple ever?
Okay, so let us move further. Big bucks, lots of money. Like he is a rich person, he has big bucks. Big deal, something very important, difficult or of concern. सो सी फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रही हूँ कि आप इनके सेंटेंस साथ में साथ बनाते जाइए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक हर सेंटेंस याद रहे. बिग हेड, द फ्रेज अ बिग हेड रेफर्स टू द कॉन्सीटेड और एरोगेंट पर्सन. नेक्स्ट इज बिहाइंड बार्स. सो सी फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लाइक जेल में होना. सो इट्स मीनिंग इज इन जेल और प्रिजन. नेक्स्ट इज बिहाइंड क्लोज डोर्स. अगेन ये बहुत ईजी है, इन प्राइवेट और इन प्राइवेट और इन वंस प्राइवेट लाइफ. नेक्स्ट इज बिहाइंड वंस बैक, इन वंस एब्सेंस. नेक्स्ट इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग द डेंजर ऑफ डाइंग और बीइंग किल्ड. नेक्स्ट इज बी ऑन क्लाउड 9. सो जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी किस तरह जाहिर करते हैं. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम ऑन क्लाउड 9. ओके, सो फील एक्सट्रीम हैप्पीनेस और इलेशन. नेक्स्ट इज बीट अ डेड हॉर्स. सो इट मीन्स टू परसिस्ट और कंटिन्यू फार बियॉन्ड एनी पर्पस, इंटरेस्ट और रीजन. नेक्स्ट इज बीट द क्लॉक. इट्स मीनिंग इज टू डू समथिंग बिफोर अ डेड लाइन. नेक्स्ट इज ब्लो अ फ्यूज. इट मीन्स बिकम अनकंट्रोलेबली एंग्री, लूज योर टेम्पर. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नॉलेजेबल ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं. और जो सेंटेंस मैंने आपको डिक्लेयर किए वो आप याद कीजिए, साथ ही साथ जो नहीं सेंटेंस दिए गए हैं उनको फ्रेम कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक वो सेंटेंस और फ्रेज याद रहे. थैंक यू सो मच. बने रहिए पैशन.